क्वेश्चन नंबर 5, द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम। ओके, अगर कोई गांव जाता हो तो उसने देखा होगा गिल्ली डंडा गेम, है ना। एक डंडा होता है, गिल्ली होती है, तो गिल्ली कुछ इस तरीके की होती है बच्चों। ये दोनों एंड कैसे होते हैं, कौन, और ये बीच में जो होता है क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो जब डंडे से हम लोग ये डंडा ऐसे लेते हैं, तो देखिए अगर मान लो कि एंड हम सिलेंड्रिकल देते हैं, सोचो अगर एंड ऐसा ही रहे, ये देखो सिलेंड्रिकल रहे, मतलब कोनिकल ना रहे, तो सोचो अगर हम इस पर डंडा मारेंगे ऐसे एंड पे, तो ठीक से उछलेगी नहीं, है ना। अगर इसका ये एंड कैसा रहेगा, कॉनिकल शेप का, इधर भी कोन रहेगा और इधर भी कोन रहेगा। तो जब हम इस पर ऐसे डंडा मारेंगे, जैसे ज़मीन पे रखी हुई है ना, अब ऐसे हमने डंडा मारा तो ये उछलती है, उछलती तो इसको फिर से मारते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो इसके एंड्स कैसे हो गए बच्चों, कोन, और यहाँ पे बीच में क्या है, सिलेंडर शेप है, ठीक। और फिगर बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। बट अगर एग्जाम में आएगा तो आई थिंक आपको एग्जाम में फिगर नहीं देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना तो सबको पता होना चाहिए गिल्ली डंडा में गिल्ली कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या यहाँ टू सिलेंडर है, नो, अ कोन एंड अ सिलेंडर, नो, आ कोन मतलब वन कोन तो है नहीं, टू कोन से यहाँ पे, ये वाले एंड पे भी कोन है, इधर भी कोन है, और बीच में सिलेंडर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टू कोन्स एंड अ सिलेंडर, दो कोन अ सिलेंडर मतलब वन सिलेंडर है, टू सिलेंडर एंड वन कोन, नहीं टू सिलेंडर तो कहीं नहीं दिख रहा है, वन ही सिलेंडर है और टू कोन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।